नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में कई सारे लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा जिनमें रिफंड होगा, तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग हमारे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। यह इनकम टैक्स का रिफंड हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका NSDL के पोर्टल पर जाके और दूसरा तरीका इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके। तो यहाँ NSDL के पोर्टल पर जो रिफंड हमें चेक करना है, जो इनकम टैक्स रिफंड 31 मार्च 2023 के बाद जारी किया गया है, उस रिफंड को हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ही चेक करना होगा। और इस तारीख के पहले जो रिफंड है वो रिफंड हम NSDL के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। तो हमें जो रिफंड चेक करना है वो 31 मार्च 2023 के बाद आने वाले रिफंड को हमें चेक करना है, तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा। तो यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए हमें यहाँ इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा, उसके बाद ही हम हमारे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विसेज वाला। इस सर्विसेज वाले ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा वो है नो योर रिफंड स्टेटस। इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर हमें यहाँ हमारा पैन नंबर दिखाई देगा और इसके बाजू में यहाँ असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी असेसमेंट ईयर का रिफंड हमें चेक करना है उस असेसमेंट ईयर को हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ असेसमेंट ईयर 2023-2024 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ इस असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आना होगा और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद अब अगले पेज पर हमें हमारे रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा। तो हमारे रिफंड का स्टेटस जो भी है, जिस भी स्टेज पर हमारा इनकम टैक्स का रिफंड पेंडिंग है, उसकी डिटेल हमें यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ इस केस में रिफंड जो है इश्यू किया गया है जो कि टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।